हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीरीज नंबर 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डिक्के वर्मा। आज की इस सीरीज के अंदर हम लोग होम मेन्यू सीखने वाले हैं। मैं आपको इसके अतिरिक्त 3 से 4 मिनट पर एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप एक्सपर्ट तरीके से कर सकते हैं, और ये जो ट्रिक्स हैं वो आपको जरूर जानना चाहिए जब आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं। तो सब कुछ समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और वहां मैं आपको हर चीजें समझाता हूं। बट इससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन लोगों के पास जो एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं, और अपनी भावनाओं को कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं सबसे पहले 2 से 3 ट्रिक्स बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको होम मेन्यू सिखाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रिक्स की ओर, जो कि काफ़ी अमेजिंग ट्रिक्स है। ओके, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, Sheet 4, Sheet 5। ये कहाँ है? ये हमारा है लेफ्ट साइड की ओर। अगर मैं इसको चाहूँ तो लेफ्ट साइड से मैं इसको राइट साइड में, अर्थात हम लोग इधर ला सकते हैं, यानी कि ये जो सीट है, सीट वाली जो टैब है, उसे हम लोग राइट साइड में ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जाना होगा फाइल मेन्यू में, और यहाँ से जाना होगा ऑप्शन वाले में, यानी कि हो सकता है आपके एक्सेल के अंदर वर्ड ऑप्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे वर्जन में अवेलेबल है, 2010, 13, 16, 19, 7 समय है। तो चलो यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको जाना होगा एडवांस में, और एडवांस में जाने के बाद आपको वर्कशीट वाला खोजना है। मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से और नीचे जाऊँगा, और मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, आप ध्यान से देखते जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 4 से लिए तो नहीं है, यहाँ पे वर्कशीट मेरे को देखना है यहाँ पे, और मैं नीचे जाऊँगा यहाँ से, और मैं नीचे जाऊँगा, और यहाँ से आपको देखना एक राइट साइड वाला मिलेगा, यहाँ पे एक लिखा हुआ वर्ड, मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ से नहीं है, यहाँ से मैं खोजता हूँ, ठीक है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है ना, इसलिए कन्फ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 100 सीट राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे क्या है 100 सीट राइट टू लेफ्ट। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो आपका था 1, 2, 3 जो है वो उल्टा हो गया, यानी इस साइड हो गया, और इधर से शुरू हो गया ABCD। देखो इधर से हो गया ABCD, और इधर से हो गया 1, 2, 3, 4, और जो सीट था वो उल्टा हो गया है। अगर दोबारा से लाना है तो फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, और एडवांस में जाना है, और यहाँ से आपको जो आपने अभी इनेबल किया था उसको आपको फिर से क्या करना है, उसको आपको फिर से डिसेबल कर देना है। आपको चूज करना है कि आपने कहाँ से किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहाँ पर किया था, हमने इसको किया था 100 सीट राइट टू लेफ्ट, मैं इसको अनचेक कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से कर दूंगा ओके। चलो ये आपका कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ट्रिक्स की ओर। जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन समझते हो क्या होता है? ये जो कॉलम है वो ग्रिड लाइन से बनते हैं, यानी कि रो वाली लाइन हो गया और कॉलम वाली लाइन हो गया, यानी कि जब आपस में एक दूसरे आपस में जब रेखाएं एक दूसरे को, मतलब समांतर रेखाएं में जाती हैं या फिर एक दूसरे को काटती है, उसे ही हम लोग ग्रिड लाइन कहते हैं। ये देखो ये सब ग्रिड लाइन है। अभी आप देख सकते हो कि ये सब जो है, ये जो यहाँ पे ये लाइन है, ये सब ब्लैक वाली जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये सब ग्रिड लाइंस है, ऐसे ऐसे ये सब ग्रिड लाइंस है। तो ये जो ग्रिड लाइंस है वो अभी ब्लैक है। हम इस ग्रिड लाइंस को, ग्रिड लाइंस के कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को जाना होगा फाइल मेन्यू के अंदर, और यहाँ से ऑप्शन में जाना होगा, यहाँ से एडवांस में जाना होगा, और हमें यहाँ से नीचे चले जाना है, और यहाँ से देखना ये ऑप्शन आएगा ग्रिड लाइन कलर, आपको इसको मान लो कि रेड कर दो और कर दो ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो ग्रिड लाइंस है वो रेड कलर का
हो गया है। दोबारा से फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ और यहाँ से एडवांस में जाओ और सबसे नीचे चले आओ और ये जो आपने रेड किया इसको आप यहाँ से ऑटोमेटिक यानी ब्लैक कर दो। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग शिफ्ट को इधर उधर कर सकते हैं और ये जो कॉलन का जो ग्रिड लाइन है उसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक और ट्रिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग होम मेन्यू शुरू करेंगे और मैं फिर से 3 मिनट बाद मैं फिर आपको एक ट्रिक बताऊँगा। तो चलो सबसे पहले मैं एक और ट्रिक्स आपको समझाता हूँ। मैं जाऊँगा फाइल में, उसके बाद जाऊँगा ऑप्शन में, उसके बाद जाऊँगा एडवांस में और एडवांस में जाने के बाद मैं यहाँ से नीचे चला आता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। और मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और नीचे जाने के बाद आप ध्यान से देखो, नीचे जाने के बाद मैं यहाँ से और नीचे जाऊँगा और यहाँ से और नीचे, और मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से आपको देखना है कि मैं कौन सा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर में आपको मैं दिखा रहा हूँ और ऊपर यहाँ से देखो शो सीट टैब, यहाँ पे आप देखो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शंस को देखो, शो सीट टैब यानी कि आप जो है से सीट वाले टैब को भी हटा सकते हैं। यानी कि देखो किसको बोलते हैं सीट टैब, देखो ये जो है सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 इसको आप हटा सकते हो। फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, एडवांस में जाओ और यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन है, देखो ये इसको आप अनटिक आउट कर दो और उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना। देखो ये जो सीट 1 और सीट 2 था वो हाइड हो गया। मैं जाऊँगा फाइल में, मैं जाऊँगा ऑप्शन में, मैं जाऊँगा एडवांस में और उसके बाद मैं यहाँ से वो जो सीट वाला था ये मैं इसको शो कर दूँगा। चलो और भी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कुछ देर बाद। तो होम मेनू का क्या मतलब होता है? होम मेनू का मतलब होता है भैया आप कहीं भी जाओगे आपको घर पर लौटना ही है। यानी कि होम मेनू एक ऐसा मेनू है जिसके बिना कोई भी वर्क संभव नहीं है। आपको होम मेनू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आप इंसर्ट मेनू ले लो, पेज लेआउट मेनू ले लो, फॉर्मूलाज ले लो, कुछ कोई भी मेन्यू में अगर आप जाते हो तो आपको होम मेन्यू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, आपको घर में आना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले पेस्ट है, तो पेस्ट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? तो पेस्ट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम कट या कॉपी का यूज करते हैं। हम लोग बिना कट या कॉपी के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन ऑप्शन है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट प्रिंटर है। ये क्लिपबोर्ड के अंदर आने वाले 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लाइव टेस्ट में, लाइव टेस्ट जल्द ही शुरू होने वाला है, क्लिपबोर्ड में कितने ऑप्शन होते हैं, तो क्लिपबोर्ड के अंदर ये 4th ऑप्शन होते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। तो सबसे पहले मेरे को अगर पेस्ट का इस्तेमाल करना है तो मेरे को कट या कॉपी सीखना होगा। तो चलो हम लोग कट या कॉपी पहले सीख लेते हैं। माना कि हमने इस सेल के अंदर हमने अपना नेम डाला और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये कट हो जाए तो मैं यहाँ जाऊँगा कट में और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेल है ये सी वाले सेल में जाकर पेस्ट हो जाए, तो हमने इसको कट किया था और मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, यहाँ हो गया, ओके। अगर मैं चाहूँगा कि इसको यहाँ से कॉपी करना तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से जाऊँगा कॉपी में और कॉपी करने के बाद मैं जिस सेल में चाहूँगा पेस्ट करना वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे चाहूँगा तो यहाँ पेस्ट करूँगा, यहाँ पे चाहूँगा तो यहाँ पेस्ट करूँगा। यानी कि कॉपी करने के बाद आप इसको डुप्लीकेट जितना बनाना है आप डुप्लीकेट इसके ज़रिए यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। ये काफ़ी अमेजिंग ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपने इसको क्या किया, आपने इसमें कोई यहाँ से मान लो कि आपने इसको यहाँ से बोल्ड किया, ठीक है। बोल्ड करने के बाद अगर आपने इसमें फॉन्ट चेंज किया, उसके बाद फॉन्ट चेंज करने के बाद आपने इसका जो कलर है वो रेड किया, इसको यहाँ से आपने इटैलिक किया, और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो स्टाइल है वो इस वाले में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए, यानी किसी एक स्टाइल को चुरा करके किसी दूसरे स्टाइल में अप्लाई कर देना, यही फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल
होता है। जैसे इसका यूज़ ज़्यादातर हम लोग कब करते हैं, जैसे मान लो कि हमने कोई एक फॉन्ट को डिज़ाइन किया, हमने उसमें कलर डाला, इटालिया किया, कोई एक फॉन्ट यूज़ किया, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि मैं कौन सा फॉन्ट यूज़ किया, मतलब क्या क्या हमने अप्लाई किया मेरे को पता नहीं है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पेंटर पे लगातार दो बार क्लिक करूँगा और मैं जिस पर ये अप्लाई करूँगा उस पर ये ऑटोमेटिक जो है से वो देखो अप्लाई हो गया, ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। तो बस फॉर्मेट पेंटर का यही इस्तेमाल होता है। और ये बोल्ड इटैलिक तो मेरे को समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, आप इससे बोल्ड कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक, जैसे मान लो आपने यहाँ कुछ लिखा, अगर आप मैंने यहाँ पे एक सपोज़ हमने एक यहाँ पे अपना नेम लिखा, अगर मैं इस पर बोल्ड करूँगा तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करूँगा तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करूँगा तो अंडरलाइन हो जाएगा, बस यही है। अगला ऑप्शन है बॉर्डर का, आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि इतने एरियाज में मैं इसको बॉर्डर लगाऊं, तो आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप कहां बॉर्डर लगाना चाहते हो, बॉटम में लगाना चाहते हो, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, यानी कि आप पर्टिकुलर एरिया में बॉर्डर लगा सकते हो कि लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या ऊपर में बॉर्डर चाहिए, लेकिन मेरे को ऑल में चाहिए तो मैं करूँगा ऑल बॉर्डर्स। देख सकते हो कि मैंने जितने कॉलम को सिलेक्ट किया था उतने कॉलम में ये जो है से बॉर्डर लगा दिया है। अगर आप रिमूव करना चाहते थे तो यहाँ से आपको जा कर के इसको नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे ये रिमूव हो जाएगा। बट इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे बॉटम डबल बॉर्डर, आप डबल बॉर्डर लगा सकते हो, देखो यहाँ पे डबल बॉर्डर लग गया, मतलब कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ से, यहाँ पे बहुत थिक बॉर्डर जो भी आप यूज़ करोगे यहाँ से बॉर्डर लगेगा, देखो ये यहाँ पे बॉर्डर लग गया, देखो इसको थिक बॉर्डर बोलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करो, आप जो बॉर्डर लगाना चाहते हो वो बॉर्डर आप यूज़ कर सकते हो। बट इसके अलावा भी कई ऑप्शन हैं, जैसे ड्रा बॉर्डर, यानी आप अपने से बॉर्डर को ड्रा कर सकते हो। देखो ये खुद से हम लोग बॉर्डर जैसे एमएस वर्ड में हम लोग करते थे वैसे हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे आप यहां से ड्रा बॉर्डर ग्रिड, आप ग्रिड यहां से ड्रा कर सकते हो। बट इसके अलावा है इरेजर बॉर्डर, आपने जो बॉर्डर लगाया था आप इसके ज़रिए ऐसे ऐसे आप इसको यहाँ से ऐसे करके इरेज कर सकते हो, देखो ये आपका इरेज हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने लाइन कलर, आप कौन सा कलर लेना चाहते थे, आप जो कलर लोगे वही कलर से आपका यहाँ पे है ड्रा बॉर्डर होने लगा, देखो ये रेड होने लगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से अगर ब्लू कर दोगे तो ये जो ड्रा होगा वो ब्लू कलर में ड्रा होगा। अगर आप इसकी साइज़ को थोड़ा सा ये करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, उसके बाद आप बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरह से इसमें हमने अप्लाई किया। अगर और भी चाहिए तो आप मोर बॉर्डर्स पे जाने के बाद आपको कई और भी ऑप्शंस आएंगे जिसका इस्तेमाल यहाँ से कलर को चेंज करके, बॉर्डर को चेंज करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस चीज़ को अप्लाई किया। ओके, तो चलो अब हम लोग एक दो ट्रिक्स सीख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक्स सीखने से थोड़ा बोरिंग जो है ना वो हट जाता है, हम लोग को ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो चलो एक दो ट्रिक्स हम लोग और सीखते हैं। मैं फाइल में जाऊंगा, ऑप्शन में जाऊंगा, एडवांस में जाऊंगा और यहां से जाने के बाद मैं चला जाऊंगा सबसे नीचे। आपको ध्यान से देखना है मैं कौन से ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से देखो ये तीन ऑप्शंस हैं, तीन चार पांच ऑप्शन जो भी ऑप्शन बोल सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन शो ऑल विंडोज़ इन द टास्क बार, यानी कि ये जो टास्क बार है वो विंडोज़ में सब शो करेगा। शो फार्मूला बार, शो फंक्शन स्क्रीन टिप्स, शो कंट्रोल कैरेक्टर्स। अगर आप इसको शो फार्मूले बार को अनटिक आउट कर दोगे, शो ऑल विंडोज़ पे अनटिक आउट कर दोगे, शो फंक्शन स्क्रीन टिप्स पे एंटी कोड कर दोगे और उसके बाद अगर आप ओके कर दोगे तो देखो आपका जो फार्मूला बार था वो गायब हो चुका है। फार्मूला बार है ही नहीं, ऊपर में जो फार्मूले बार होता है ना जिसमें फार्मूला शो करता है वो है ही नहीं। आपको जाना होगा फाइल में, ऑप्शन में, एडवांस में और यहाँ से आपने जो जो एंटी कोड किया था उसको आपको क्लिक कर देना है और दोबारा से इसको ओके कर देना, ये आ जाएगा। एक और हम लोग जान लेते हैं एडवांस ऑप्शन। यहाँ से जाने के बाद मेरे को देखो, आपको ध्यान से देखना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखो ये दो ऑप्शन, सो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार,
शो वर्टिकल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार किसको बोलते हैं, ये देखो राइट साइड में, ये देखो ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ से आपको रेड कलर में इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हो गया आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ, फाइल में जाऊँगा, ऑप्शन में जाऊँगा, एडवांस में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा, कहाँ था, इतने सारे ऑप्शन है ना कि गड़बड़ हो जाते हैं। मैं यहाँ से ये देखो कहाँ था, ये देखो सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, सो वर्टिकल स्क्रॉल, मैं दोनों को अनटिक आउट कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दूँगा। देखो ये जो था स्क्रॉल बार वो गायब हो गया। दोबारा से लाना है, फाइल में जाऊँगा, ऑप्शन में जाऊँगा, एडवांस में जाऊँगा और यहाँ से जाने के बाद मैं दोनों को इनेबल कर दूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। चलो अब हम लोग होम मेनू के अंदर दोबारा से आते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, तो टाइप करने के बाद अगर मेरे को क्या करना है, इसकी साइज़ को बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ और मैं इसको यहाँ से खींच करके इसकी साइज़ कॉलम को बड़ा कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा करेंगे, यहाँ से बड़ा करेंगे। अगर इस कॉलम के अंदर कोई कलर फिल करना है तो मैं यहाँ जा करके इसकी कलर फिल कर दूँगा। टेक्स्ट का कलर बदलना है तो मैं यहाँ से बदल दूँगा। इसको अगर सेंटर में लाना है तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा सेंटर का। अगर राइट में करना है तो राइट यूज़ करूँगा, लेफ्ट यूज़ करूँगा, ये देखो यहाँ से ही करूँगा। जो आप यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत। अगर आप यहाँ से चाहते हो कि डिक्रीज इंडेंट हो, इंक्रीज इंडेंट हो, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। जैसे मान लो हमने कुछ ज़्यादा चीज़ मैटर हमने अगर लिख देते हैं तो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज इसके ज़रिए, यहाँ से देखो आप इंक्रीज डिक्रीज आप इसके ज़रिए इधर कर सकते हो। अगला जो ये ऑप्शन है ये काफ़ी अमेजिंग है, ये है ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो आपका जो टेक्स्ट है उसकी जो ओरिएंटेशन है, यानी कि जो मोड है वो इधर उधर दिखेगा, यानी कि थोड़ा तिरछा दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा वैसा दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा, डिक्के वर्मा हमने लिखा, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। देखो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, देख लिया आपने, ऐसे लिखा गया। दोबारा जाकर मैं इसको ऐसे कर, देखो तो ये यहाँ से आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते, देखो यहाँ पे, यहाँ से भी आप रोटेट करके देखो, ये देखो ऐसे हो गया। फिर जाओगे यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, तो आप इस तरह से, ऐसा आपने देखा होगा कि एक्सेल के अंदर ऐसा तिरछा लिखा हुआ रहता है, तो आप इसके ज़रिए यहाँ से अपना रोटेट करते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ से खुद से ये ऐसे अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। बाकी की चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। जैसे ही होम मेन्यू ख़त्म होगा, ओके, तो मैं आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ऐसे होम मेन्यू के अंदर ही शायद लगता है मैं सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी मैं बड़ा करूं, 1 से 2 घंटे का सीरीज लाऊं, बस आपकी सपोर्ट चाहिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।